Assalamu alaikum, my dear students. I am Tawseef sir, your SST teacher, and I hope you are all fine. I welcome you all to the online classes of FEI. Today, I am going to deliver the topic, what is government? Yani, government ka kya matlab hota hai? Government ek country ke liye kitna important role adha karti hai? Hamari lives ke liye, citizens ki lives ke liye. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है. एक कंट्री जब होती है, कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है, इट इज वेरी नेसेसरी कि एक गवर्नमेंट हो जो कंट्री के लिए रूल्स बनाए, डिसीजंस ले. यानी एक कंट्री कैसे प्रॉस्पर हो, एक कंट्री की कैसे डेवलपमेंट हो, और एक कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हम बनाए. यानी एक कंट्री जो होती है ना, वो गवर्नमेंट के बिना नहीं चलती है. एक कंट्री को बहुत जरूरी होता है गवर्नमेंट की. और जो सोशल इश्यूज होते हैं वो कौन देखता है? वो एक गवर्नमेंट ही देखती है. सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी कैसे खत्म हो, हर कोई फैसिलिटी सिटीजंस को कैसे मिले. सो लेट अस स्टार्ट. मैं आपको बताऊंगा पहले कि एवरी कंट्री नीड्स गवर्नमेंट. जो मैंने आपको अभी बताया कि हर किसी कंट्री को, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उसको गवर्नमेंट की बहुत जरूरत होती है ताकि लोगों को लुक आफ्टर करे, लोगों के इश्यूज को जान सके. ये कौन करता है? एक गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट जो होता है वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज भी होती है. यानी डिसीजंस लेती है अपने लोगों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी फलावा बहबूद के लिए, अपने लोगों के लिए लेती है डिसीजंस. गवर्नमेंट का काम होता है एक कंट्री को आगे ले जाना दूसरी कंट्री से. यानी वो क्या देखती है? वो एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज लेती है. यानी सोशल इश्यूज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री, हम इंडिया की बात करेंगे, यहां पे पॉवर्टी जैसे है, इस पॉवर्टी को दूर कौन करेगा, इसके लिए कौन प्रोग्राम्स बनाएगा, नए नए प्रोग्राम्स ताकि वो पॉवर्टी दूर हो. एजुकेशन सिस्टम को देखना, ये कौन देखेगा? एजुकेशन सिस्टम को देखना, पॉवर्टी को देखना, एजुकेशन को आगे ले जाना. यानी हर स्टेट में एजुकेशन हो, हमारे लोग जो है वो भी एजुकेटेड हो, इलिटरेसी दूर हो. दूसरा इश्यू है एसेंशियल सर्विसेज जो कंट्रीज के होते हैं, लाइक पोस्टल, रेलवेज, या अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना. यानी ये गवर्नमेंट का काम होता है पीस और हारमोनी अपनी कंट्री में रखना, कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो अपनी कंट्री में, वो गवर्नमेंट का काम होता है. सेट ऑफ लॉज को इंप्लीमेंट करना और हर किसी को एंश्योर करना, फैसिलिटीज देना. यानी जो भी सिटीजन है हर किसी को फैसिलिटीज देना, लाइक हेल्थ फैसिलिटी, हर कोई हेल्थ फैसिलिटी ले, और एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में आगे सब हो, एजुकेशन देना हर एक को, ट्रीट इक्वली करना, एजुकेशन टू ऑल, ये गवर्नमेंट में आता है. वाटर फैसिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने का पानी या इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई करना, गवर्नमेंट का ये काम होता है. और सेटल डिस्प्यूट्स, यानी डिस्प्यूट्स को सेटल करना, जो भी डिस्प्यूट्स हमारी सोसाइटी में होते हैं, हमारी समाज में होते हैं, उनको दूर करना. जैसे स्टेट्स का डिस्प्यूट होता है, कभी लोकल लेवल पे, कभी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, ये डिस्प्यूट सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम होता है. और सबसे ज्यादा चीज ये है कि असिस्टेंस देना. असिस्टेंस का मतलब होता है कि एड देना. यानी जब कभी भी नेचुरल डिजास्टर आता है, यानी अर्थक्वेक, फ्लड एक्स्ट्रा, ये चीजें जब भी कुदरती आफात आते हैं, उनमें असिस्टेंस देना, लोगों को उनको उनकी मदद करना, तो वो भी गवर्नमेंट का ही काम होता है नेचुरल डिजास्टर्स में. हमारी रोड्स कौन बनाएगा? रोड्स गवर्नमेंट का काम ही है. बिल्डिंग्स, स्कूल्स, और प्राइस को बराबर बैलेंस में रखना, महंगाई को दूर करना, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है. गवर्नमेंट एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि एक कंट्री अच्छे से चले. और दूसरा होता है रूल्स बनाना. रूल्स क्या होते हैं और उनको इंप्लीमेंट भी करना. पहले रूल्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कभी रूल बनाता है कि फॉर एग्जांपल ड्राइविंग होती है,
जब एक ड्राइवर ड्राइव करता है, कोई भी गाड़ी चलाता है, उनको इम्पोर्टेंट होता है कि लाइसेंस रखना, ये गवर्नमेंट का रूल है लाइसेंस रखना। तो अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं हो, आइदर वो तो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना उनको फाइन होता है या जेल होती है, यानी उसको इम्प्लीमेंट भी करना, ठीक है, यानी गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि रूल्स को बनाना और इम्प्लीमेंट करना, फिर उसके जरिए वो अपने डिसीजंस को मतलब लोगों को फॉलो करवाते हैं, यानी लोग भी उसको मानते हैं। अब इस गवर्नमेंट की बहुत सारी लेवल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और ये लोकल लेवल। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जब गांव का काम, गांव में काम होता है लोकली, जैसे रूरल मतलब एरियाज में। रूरल एरियाज में क्या होता है, वहां पे गांव के लोग होते हैं, उनकी लोकल जैसे पंचायत होते हैं, वो उस टाइप उस लेवल का काम करते हैं उनके लिए, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आगे जाके वहां पे होते हैं। इसके बाद है स्टेट लेवल, यानी स्टेट का काम, डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज काम होता है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग काम होता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज काम होता है। तीसरा होता है नेशनल लेवल पे, जो सेंटर के लॉज, ये जो सेंटर का काम हमारे लिए होते हैं, उनके फंड्स हमारे पास आते हैं, फिर वो काम उनका होता है। इसी तरह ये अलग अलग लेवल्स होती है। मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दी कि गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए, हाँ, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल, यानी हर किसी को अपना हक देना, हर किसी को रूल्स के अंडर काम कराना, डिसीजंस लेना, नए नए लॉज बनाना पार्लियामेंट में, या ये सब चीजें गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है हर किसी कंट्री के लिए, उनकी फलावा बहबूदी, पॉवर्टी दूर, स्कीम्स को ये इम्प्लीमेंट करना, लॉस को इम्प्लीमेंट करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। हर किसी चीज में गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारी जिंदगियों में, ताकि हर एक सिटीजन के पास हर कोई फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड हो सके हर किसी सिटीजन के लिए। दिस इज ऑल फॉर टूडे, आई होप आपको स्टूडेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।